तो अभी बज रहे 11:30, मैं और आशु हो गए रेडी, अंजलि हो रही है रेडी, और अभी हम लोग जा रहे हैं जयपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन का जो पार्किंग है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से हमें एक्टिवा कलेक्ट करनी है। आपको जो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है वो यही है कि आपकी जो बाइक्स है उसका पूरा वीडियो ले लो आसपास सब ऊपर नीचे से, ताकि कोई स्क्रैच या फिर कोई भी चीज़ हो तो आप उसको बता सके। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और शुड आई से अनदर सीरीज, बिकॉज आज हम लोग जा रहे हैं, आज है फ्राइडे 24 सितंबर और हम लोग जा रहे हैं जयपुर, और अभी 7:45 की ट्रेन है, इट्स 6:45 वी आर लिविंग। और बाय द वे फर्स्ट टाइम हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं हमारे किसी भी डेस्टिनेशन पे, सो वी आर प्रीटी मच एक्साइटेड। और नया जो गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन है वहाँ से हम लोग जा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कैसा रेलवे स्टेशन है। हाँ, मैं पहली बार जा रही हूँ। करण पहले तू गया हुआ है? हाँ। शूट करने नहीं गया था तब तू? नहीं, शूट करने गया था पर ट्रेन से कहीं गए नहीं थे जर्नी, तो ट्रेन से तो वैसे ही कहाँ जाता है बच्चा। ठीक है, हमारा सामान रेडी है, आशु नीचे वेट कर रहा है, आशु भी हमारे साथ आ रहा है। 4 डेज का प्लान है, सो वी विल मेक श्योर कि आपको बहुत ही अमेजिंग व्लॉग्स मिले, 4, 5, 6, 7, 8 आई डोंट नो कितने मिले रील्स। सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम अगर नहीं फॉलो करें, जल्दी चलते हैं। सो अब यहाँ पे आ गए आशु, रेडी जयपुर जाने के लिए। यस आई एम रेडी। याद है तुझे इस यहाँ पे हम लोग वीडियो बनाने के लिए आए थे स्टेशन का? मेरी गाड़ी और ये आज की गाड़ी जा रही है, मैं ड्रॉप करके। कैसा लग रहा है ट्रेन में इतना टाइम क्या ट्रैवल करने में? अभी तो पता लगेगा ना, ट्रेन में बैठूंगा पहले तो कंफर्म करना यहाँ से चल रही है नहीं। हाँ यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। नींद नहीं आ रही? नहीं नींद लग रहा है थर्ड एसी। हाँ तो ये एसी मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब है इधर तो। हेलो दोस्तों, चाय पी लो। एक बात बताएं, गोल गोल वीडियो में क्यों आ रहे हो? वो ऐसे ही रखा है उसने, लाइट रहा है ना इसलिए। दोस्तों चाय मत पियो, बहुत गंदी, बहुत गंदी। अभी कुछ 45 मिनट जितना बाकी है, चाय पी रहे, नींद आ नहीं रही, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखना चाहे ना हम लोग ट्रेन में आ रहे हैं, जैसे इसको किडनैप कर गया है, इसकी पूरी बॉडी नहीं मिलने वाली। होटल पे मैं छोटा सा नींद में आपको रूम टूर दे देता हूँ। ऐसा कुछ हॉल है, यहाँ से एंटर होते हैं हमारा रूम 106। अगेन मिरर, छोटा और डिसेंट सा बाथरूम है, दो बेड्स हैं, अंजलि और आशु ने दे दी है, यहाँ पे दो चेयर्स और टेबल है, छोटा सा रूम है और कुछ है नहीं, एक लाइट है, फैन, एसी भी है। हमने एसी रूम बुक कराया क्योंकि राजस्थान ऑल ऑब्वियसली यहाँ पे अभी गर्मी का होगा, और व्यू वहाँ यहाँ से बहुत मस्त है, दिस इज़ द व्यू। मुझे लगता है हम लोग खिड़की खोल के चाय यहाँ से मंगवा सकते हैं। हाँ उसका बोलेंगे भाई खिड़की खोल के चाय दे दो, देख ऐसा करेंगे, ऐसा भैया दो चाय, दो चाय। ट्रेन से बाहर निकल के इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी अभी हो रही है हम लोगों को, इतनी ज्यादा ठंड थी, इतनी ज्यादा ठंड थी। जयपुर का एक्सपीरियंस ले लिया, ऑटो वाले से झगड़ा कर लिया, सुबह सुबह 10 रुपए। क्या हुआ? तो अभी एक एक्स्ट्रा बेड लगा रहे हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर 7:30 के बाद नाश्ता स्टार्ट होता है, तो नाश्ता करेंगे फिर फ्रेश हो जाएंगे। अभी सबको नींद बहुत आ रही है क्योंकि इतना अच्छा हम लोग ट्रेन में सो नहीं पाए, तो 2-3 घंटे सो जाएंगे नाश्ता करके, फिर आराम से 11:30-11 बजे निकलेंगे बाहर। सो मिलते हैं जब भी हम लोग उठ जाए तब। 6:30 सो अभी बज रहे 9, हम लोग थोड़े फ्रेश हो चुके हैं और नाश्ता, एज यू कैन सी
यहाँ पे आ गया दिख तो रानी है ये पूरी भाजी ब्रेड टोस्ट और एक दो चीज़ें और आ रही है मंगवाई है तो अभी नाश्ता करेंगे थोड़ी देर 2 घंटे सो जाएंगे। सो हमने एक स्कूटी बुक की और एक बाइक बुक की है, उसकी डिटेल्स है जब हम वहाँ पे लेने जाएंगे तब आपको बताएंगे कहाँ से बुक कर सकते हो कितने में पड़ी है वो सब डिटेल्स आपको बताएंगे। थोड़ा नाश्ता कर लें। सो अभी बज रहे हैं 11:30, मैं और आशु हो गए रेडी, अंजलि हो रही है रेडी और अभी हम लोग जा रहे हैं जयपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन का जो पार्किंग है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से हमें एक्टिवा कलेक्ट करनी है, फिर एक दूसरा मेट्रो का पार्किंग है 10 किलोमीटर वहाँ से दूर, वहाँ से हमें दूसरी बाइक पिकअप करनी है, तो 2 बाइक पिकअप करनी है और 12 बजे का टाइम है। फिर सोचते हैं 2-3 जगह हमने फाइनल किया देखने के लिए और अभी 12 ऑलमोस्ट बजने वाला है तो सोचा कि 2 जगह वो कवर करेंगे, दिलवाड़ा टेम्प जैन टेम्पल एक है वो करेंगे और दूसरी 2 जगह पे, बाकी जो फोर्ट और पिंक सिटी है वो फिर संडे और मंडे ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो एक्टिवा जो है वो हमें 980 रुपीस में कुछ 2 डेज़ एंड 8 आवर्स के लिए पड़ी है, मतलब आज 12 बजे से लेके मंडे शाम को 8 बजे तक, और वहीं पे जो बाइक है वो हमें पड़ी है कुछ 1500 रुपये के आसपास सेम टाइम के लिए। अब वहाँ जाके देखते हैं कि कैसी कंडीशन अच्छी है नहीं, और हेलमेट है वो एक एक देंगे हमें, जो जहाँ से ना बुक किया उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे होगी, तो आप जयपुर अगर आ रहे हो तो यहाँ से डेफिनेटली बुक कर सकते हो। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए, तो ये जो जयपुर रेलवे स्टेशन है उसके बाजू में ये मेट्रो स्टेशन है, एज यू कैन सी वहाँ पे मेट्रो ऊपर, उसके पिलर के नीचे ही आपको ये सारी पार्किंग मिल जाएगी और यहाँ पे बाइक्स मिलेगी आपको रेंट पे अगर चाहिए तो। ऑनलाइन एक जो ऐप है मैंने जिसकी ऑनलाइन वेबसाइट है जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है वहाँ से जाके आप बुक कर सकते हो और यहाँ पे सारी बाइक्स मिलेगी। बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आधार कार्ड और जो आपका लाइसेंस है वो मांगते हैं, उसके अलावा कोई झंझट नहीं, ऑनलाइन बुक करना है बस यही था। तो अगर आप जयपुर आ रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ से आप बुक कर सकते हो। तो अभी हमने बुक की है ये रेड कलर की एक्टिवा और सामने ये KTM वो बुक की है और ये भाई है जहाँ से आपको बुकिंग मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह। अच्छा, भूपेंद्र सिंह को मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छी सर्विस दे रहे हैं हमें यहाँ पे। अभी हमने एक छोटी सी बाइक बुक की थी वो बोल रहे थे KTM चलाओ बहुत ही सही रहेगी आपके लिए, तो अभी हमने KTM बुक कर लिया। आपको जो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है वो यही है कि आपकी जो बाइक है उसका पूरा वीडियो ले लो आसपास सब ऊपर नीचे से, ताकि कोई स्क्रैच या फिर कोई भी चीज़ हो तो आप उसको बता सके कि जब हमने ये डिलीवरी ली थी उसका टाइम पे ये स्क्रैच था, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना करने हो इसलिए। तो जैसे कि यहाँ पे ये स्क्रैच है तो डेफिनेटली पहले ही वीडियो ले लीजिए, आप बाइक को बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये स्क्रैचेस थे, तो फिर बाद में कि आपको प्रॉब्लम ना बुकिंग के बाद।